हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुचिका एंड वेलकम टू आवर चैनल इम्परफेक्ट सोल्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुबई का ओल्ड साइड। वी ऑल नो कि दुबई में बहुत सारी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी रोड्स हैं, पर दुबई ने अभी भी अपना जो ओल्ड कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रखा है, जिसे देखने अभी हम आए हैं अल फहीदी फोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल फहीदी पहुँचने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। If you are in downtown, you can either take a taxi or use Dubai Metro. सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है अल फहीदी मेट्रो स्टेशन, विच इज़ कन्वीनियंटली अ शॉर्ट वॉक अवे। वी हैव रेंटेड अ 7-सीटर कार इन दुबई, सो हमने तो अपनी कार पार्किंग में लगाई एंड जैसे ही आप एंटर करते हो यू विल सी दिस ब्यूटिफुल लेन्स विद अ लॉट ऑफ शॉप्स। बट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टूवर्ड्स दुबई म्यूजियम। रोड क्रॉस करके यू विल सी दिस साइन बोर्ड। अल फहीदी इज़ एन ओपन नेबरहुड जहाँ घूमने के लिए आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप इजीली खुद ही पूरा नेबरहुड एक्सप्लोर कर सकते हो, बट स्टिल इफ़ यू नीड अ गाइड यू कैन आस्क फ्रॉम देयर ऑफिस। सबसे पहले हम गए दुबई म्यूजियम, जहाँ पर पूरा दुबई का जो पुराना लाइफस्टाइल है उसको दिखाया गया है। देर आर एम्पल इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड्स, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ईच म्यूजियम हैज़ एन एम्बेसडर प्रेजेंट जिनसे आप अपने क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं जिनमें जो दुबई का पुराना रिच कल्चरल हेरिटेज है वो दिखाया गया है, विच नॉट ओनली गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो डिपिक्ट्स अ जर्नी ऑफ हाउ फार वी हैव कम। मुझे ये रूम पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ तक खूबसूरत कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिल्वेट्स, परफ्यूम्स एंड गोल्ड ज्वेलरी। इसके साथ ही जुड़ा हुआ था समर रूम एंड आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस रोशनदान जो बिल्कुल बेड के ऊपर बना हुआ था। वी ऑल नो कि यूएई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बट टू बीट द हीट यहाँ के लोग बनाते हैं ये टावर्स अबव देयर समर बेडरूम टू एंश्योर कि हवा का प्रॉपर फ्लो रहे। दुबई म्यूजियम के बाद हम गए कॉइन म्यूजियम, जहां पर पुराने से लेकर नए तक सब कॉइन्स रखे हुए थे। यहां पर एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट भी है जहां पर यू कैन हैव प्रॉपर अरेबिक फूड। ये मिट्टी से बनी हुई बिल्डिंग्स एंड वॉकिंग थ्रू दीज ब्यूटिफुल लेन्स इज इन इट्सेल्फ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप दुबई में हो। गाइज, अभी हम आए हैं स्टारबक्स पे। यहाँ पे ना कहीं पर भी चले जाओ स्टारबक्स आपको मिल जाएगा एंड स्टारबक्स में वही कॉफ़ी का टेस्ट, सो वी आर ऑल्सो हैविंग कॉफ़ी। और जो सबसे यूनिक चीज़ है यहाँ का जो स्टारबक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जो आसपास का पूरा सेटअप है ना उसी सेटअप में ये स्टारबक्स बना हुआ है, तो बहुत ही इस वजह से इसको ये बहुत ही यूनिक बनाता है। बहुत मज़ा आया मुझे, अंदर से बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा नॉर्मल स्टारबक्स होता है, पर बाहर से फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए बहुत ही सुंदर जगह है।
कॉफी पीने के बाद हम पहुंच गए आज का सबसे मेन काम करने, विच इज शॉपिंग। अल फहीदी डिस्ट्रिक्ट में प्राइजेस कंपैरेटिवली लो हैं, सो आप यहां से शॉपिंग करना प्रेफर कर सकते हैं। वी फाउंड दिस इंडियन रेस्टोरेंट कॉल्ड चौकी धानी, एंड उसके पास ही थी ये शॉप जहां से मोस्टली हमने अपनी सारी शॉपिंग की, बिकॉज यहां पर हमें प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल लगे। सबसे बेस्ट थे ये काफ्तान स्टाइल शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्ताज फॉर अराउंड 10 दिरहम्स, स्कार्फ वाज अराउंड 15 टू 20 दिरहम्स, एंड जो स्टॉल्स थे या शॉल्स थे, इवन जो कंबल थे, दोज वर रेंजिंग बिटवीन 50 to 100 to 200 दिरहम्स, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी क्वालिटी का लिया है। We spent the rest of our evening shopping and enjoying. वैसे तो अल फहीदी का टूर incomplete है without आबरा राइड, बट वो हमने आज नहीं की, बट हम वो ज़रूर करेंगे किसी आने वाले व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वी होप कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड व्हेनेवर वी पुट अप अ न्यू वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।